यामाहा वाइजेटर R3 हमने दो बार चलाई है, पहले बुध इंटरनेशनल सर्किट पे और दूसरी बार मद्रास इंटरनेशनल सर्किट पे। जी हाँ, अभी तक हमने ये बाइक सिर्फ रेस ट्रैक्स पे चलाई है, लेकिन अब हमने कुछ दिन बिताए हैं R3 के साथ दिल्ली की सड़कों पे, दिल्ली की ट्रैफिक को झेलते हुए, गर्मी, मारामारी और जो सड़कें हैं, उबड़ खाबड़ रास्ते हैं, तो ये सारी जो चीज़ें हैं जनरल डेली लाइफ में इस बाइक के साथ रहना कैसा है, यह आपको बताएंगे इस वीडियो में। इससे पहले आपसे दरखास्त है कि कार एंड बाइक हिंदी की यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल नोटिफिकेशन आइकॉन पर क्लिक ज़रूर करें, तो जब भी हमारा कोई नया वीडियो आएगा आप उसे मिस नहीं करेंगे। YZF R3 हर तरह से एक सुपर स्पोर्ट लगती है, जिसकी वजह है पैना बॉडी वर्क और स्पोर्टी फॉरवर्ड बायस स्टांस। हालांकि ये भारत में कुछ महीनों पहले ही आई है, लेकिन मोटरसाइकिल देश के बाहर करीब 3 साल से बिक रही है। आप में से कुछ लोगों ने इस बात पर भी गौर किया होगा कि बीच में लगी प्रोजेक्ट हेडलाइट के साथ R3 का चेहरा कंपनी की बाकी बाइक से अलग दिखता है, लेकिन कुछ मामलों में ये R1 की याद दिलाती है, जिसमें दोनों तरफ की फेयरिंग और फ्यूल टैंक पर यामाहा ट्यूनिंग फोक लोगो शामिल है। पिछले मॉडल में देखे गए टेलीस्कोपिक फोक की जगह बाइक में 37mm का अपसाइड डाउन फोक अभी दिया गया है, जिससे लुक्स में भी इजाफा हुआ है। अगर R15M की तरह यहां भी फोक ट्यूब्स गोल्डन रंग में होते तो और भी बढ़िया होता। कुल मिलाकर बढ़िया फिट एंड फिनिश मिलती है, जैसा कि आप एक प्रीमियम यामाहा मोटरसाइकिल से अपेक्षा करते हैं। सुपर स्पोर्ट होने के बावजूद राइडर ट्रायंगल R15 या हीरो करिश्मा जितना फॉरवर्ड बायस नहीं है। कम 780mm सीट हाइट, बीच में लगे फुट पैक्स और आरामदेह राइडिंग पोजीशन का मतलब है कि आप बाइक को बिना थके लंबे समय तक चला सकते हैं। अगर आप इस मोटरसाइकिल को खरीदते हैं तो हमारी राय मानिए और इसमें टैंक पैड्स लगाइए, ताकि आपको मिले बेहतर पकड़ और राइडिंग गियर से टैंक भी बचा रहे। R3 में 321cc पैरेलल ट्विन इंजन लगा है, जो लिक्विड कूल होने के साथ साथ हाई रेविंग भी है। जी हाँ, ये 12,000 RPM तक चला जाता है। पावर और टॉर्क के आंकड़े भी अच्छे हैं। R3 एक एनालॉग मोटरसाइकिल, इसका मतलब ये हुआ उसमें फीचर्स कम दिए गए हैं। ना ट्रैक्शन कंट्रोल है, ना राइडिंग मोड्स है, ना ऑटो ब्लिपर है, ना स्लिप एंड असिस्ट क्लच है, ना ही बाई डायरेक्शनल क्विक शिफ्टर। अगर कुछ है तो सिर्फ ABS है, दैट्स इट। लेकिन इस मोटरसाइकिल में अगर कुछ है तो वो है परफॉर्मेंस, तगड़ी परफॉर्मेंस, सॉलिड परफॉर्मेंस। बॉटम एंड, मिड रेंज, टॉप एंड, तीनों जो स्फीयर्स है, परफॉर्मेंस एकदम काबिले तारीफ है, तो आपको बाइक चलाने में मज़ा बहुत आएगा। R3 की पावर डिलीवरी काफ़ी लिनियर है और 5000 RPM से ऊपर रहने पर ही आपको बेहतर परफॉर्मेंस मिलेगी। एक्सेलरेशन काफ़ी तेज़ है और ये पैरेलल ट्विन मोटर की खासियत है कि आप 5वें गियर में भी 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा पर सवारी कर सकते हैं। जो एक कमी है इस इंजन में वो ये है कि 6000 RPM के बाद और 12000 RPM तक इसमें काफ़ी वाइब्रेशंस हैं, और हम उम्मीद ये आप करेंगे कि जो जापनीज पैरेलल ट्विन है वो काफ़ी स्मूथ होगा, लेकिन ऐसा है नहीं। जैसे जैसे रेव्स बढ़ते जाते हैं वाइब्रेशंस भी बढ़ती जाती है और इंजन हीटअप भी हो जाता है, खासकर तब जब आप इस बाइक को पीक ट्रैफिक में चला रहे हों। R3 चलाने में काफ़ी आसान लगती है और इसे तेज़ी से मोड़ने में भी कोई मुश्किल नहीं होती। हल्की डायमंड फ्रेम शैसी, 37mm अपसाइड डाउन फोक और सख्त सेटअप से सवार को काफ़ी भरोसा मिलता है। मोटरसाइकिल का 169kg वजन काफ़ी हल्का है, जिससे बेहतर अनुभव मिलता है। डनलप स्पोर्ट मैक्स टायर्स की पकड़ बढ़िया है, लेकिन ट्रैक पर चलाने के लिए आपको टायर बदलने पड़ सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं ब्रेकिंग की और राइड क्वालिटी की। सबसे पहले जो ब्रेक्स है R3 पे काफ़ी बढ़िया है, उनका जो बाइट है बहुत स्ट्रॉन्ग है, और अगर आपको एकदम अचानक से ब्रेक मारने की ज़रूरत पड़ती है तो जो ABS है ज़्यादा इंट्रूसिव नहीं है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग बाइट है और परफॉर्मेंस कॉन्फिडेंस ब्रेकिंग का इस बाइक पे काफ़ी बढ़िया है। और राइड क्वालिटी भी ज़्यादा ना स्टिफ है और ना ही ज़्यादा सॉफ्ट है, बहुत ही बढ़िया बैलेंस है। जो रेगुलर अंडुलेशन है रोड पे वो आपको पता भी नहीं चलेंगे, जो बड़े पॉटहोल्स और बम्प्स
सिर्फ वही आप नोटिस करेंगे। R3 काफी तरह से एक एनालॉग मोटरसाइकिल है जो कई लोगों को शायद पसंद भी आए। इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम पर यहाँ केवल ABS मिलता है। इंस्ट्रूमेंट कंसोल एक ब्लैक एंड व्हाइट LCD यूनिट है जो आज के जमाने की कलर TFT स्क्रीन के मुकाबले कुछ फीका सा लगता है। यहाँ स्मार्टफोन कनेक्टिविटी भी नहीं है। मुकाबले में खड़ी मोटरसाइकिल्स में आपको ये फीचर्स मिल जाएंगे। अगर इसमें क्विक शिफ्टर या स्लिपर क्लच हो तो हमें ये ज़्यादा पसंद आती। हैरानी की बात यह है कि R15M में कलर TFT कंसोल, ट्रैक्शन कंट्रोल और क्विक शिफ्टर मिलता है। ये थोड़ा अजीब है। बाजार में यामाहा R3 के सामने है एप्रिलिया RS457, कावासाकी निंजा 400 और KTM RC390। KTM नई पीढ़ी की RC390 को देश में इसी साल लॉन्च भी कर सकती है। जहां RS457 की कीमत है 4,10,000 रुपये, वहीं RC390 शुरू होती है 3,18,000 रुपये से। दोनों ही R3 की 4,65,000 रुपये की कीमत से काफ़ी सस्ती है। ये तकरीबन समान आंकड़ों के साथ ज़्यादा फीचर्स भी देती है। तो वर्डिक्ट ये बनता है कि यामाहा R3 जो है चलाने में बेहद मस्त है और इसकी जो कॉर्नर कार्विंग एबिलिटीज़ है, जो परफॉर्मेंस है, बहुत ही बढ़िया है, उम्दा है। लेकिन जो सबसे बड़ी दिक्कत है बाइक की वो ये है कि इसकी जो कीमत है 4,65,000 रुपये एक्स शोरूम, इसका मतलब ये हुआ कि जो ऑन रोड प्राइस है वो 5,00,000 के ऊपर जाएगा। फीचर्स कम है, प्राइस बहुत ज़्यादा है, इसका मतलब ये हुआ कि इसको जो जस्टिफिकेशन करना इसका थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, बिकॉज और भी अच्छे ऑप्शंस अवेलेबल हैं मार्केट में। आपकी क्या राय है, आपके क्या विचार है यामाहा R3 को लेकर, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो कार बाइक हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमें लाइक करना ना भूलें।